पुराने जमाने में बॉलीवुड में कई अजीब किस्से हुए थे। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी था कि जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। भले ही शोले फिल्म में बसंती का आशिक वीरू था, लेकिन जब अमिताभ यानी कि शोले के जय और हेमा मालिनी सत्य पे सत्य की शूटिंग कर रहे थे, तब उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हेमा शूटिंग के सेट पर ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उनकी प्रेगनेंसी फिल्म के लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी, क्योंकि इस वजह से ही फिल्म की शूटिंग को रोका जा सकता था। वैसे तो हेमा मालिनी ने अपनी फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन बिग बी के साथ इनकी इस जोड़ी को ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया था। वजह है कि ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग जोड़ियों में से एक हुआ करती थी। इस बीच इन दोनों को 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता में साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उस वक्त हेमा मालिनी मां बनने वाली थी। इस हालात में भी हेमा मालिनी ने इस फिल्म में काम किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद कभी भी हेमा नहीं थी। इस फिल्म में मेकर्स के अमिताभ के अपोजिट हीरोइन ढूंढने में पसीने छूटने लगे थे। सबसे पहले उन्होंने उमराव जान फेम रेखा को इस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन उस समय अमिताभ और रेखा की पर्सनल लाइफ में उनके अफेयर्स को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में फिल्म मेकर्स ने अपनी दूसरी चॉइस परवीन बाबी को चुना, लेकिन परवीन को इस फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। परवीन से ना सुनने के बाद जब मेकर्स को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब अमिताभ ने खुद हेमा मालिनी का सजेशन दिया और उनका आइडिया सभी को बहुत पसंद आया। फिल्म के लिए हेमा को फाइनली साइन कर लिया गया और कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई। ये एक तरह से ठीक भी था, क्योंकि परवीन अगर मना नहीं करती तो इस फिल्म में अमिताभ के अपोजिट हेमा को कास्ट नहीं किया जाता और ना ही ये फिल्म इतनी हिट होती। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी वक्त खबर आई कि हेमा प्रेग्नेंट है। ये एक तरह से खुशी की भी बात थी और गम की भी। खुशी की इसीलिए क्योंकि पहली बार हेमा मां बनने वाली थी, और दुख की इसलिए क्योंकि ऐसे में उनके लिए फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला था और उस सिचुएशन में हेमा को बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ रहा था। इस फिल्म के गाने परियों का मेला में शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी का बेबी बंप साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसे छिपाने के लिए उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन इस शॉल से भी वो अपना बेबी बंप छिपाने में नाकामयाब रही। ऐसी कंडीशन में हेमा मालिनी ने फिल्म के मेकर से खास गुजारिश की थी कि उनके ज्यादातर शॉट्स क्लोजअप से लिए जाएं ताकि उनकी बेबी बंप ना दिखे। इतनी सूझबूझ के बाद भी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। जैसे जैसे हेमा मालिनी की डिलीवरी की डेट नजदीक आने लगी, उन्हें शूटिंग बंद करनी पड़ी और साल भर के लिए फिल्म की शूटिंग पर ताला लगाना पड़ा। उस समय ही उन्होंने अपनी पहली बेटी ईशा देओल को जन्म दिया था। साल भर के ब्रेक के बाद फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई और जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। हेमा मालिनी और अमिताभ ने कई फिल्में एक साथ की हैं। समय के साथ साथ दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। दोस्ती गहरी होने की वजह से हेमा बताती हैं कि कई फिल्मों में हमेशा कूल बनकर रहने वाले अमिताभ असल जिंदगी में बहुत सीरियस नेचर के हैं। जब उन्होंने पहली बार उन्हें देखा था, तब से लेकर अब तक वो हूबहू वैसे ही है, बिल्कुल भी नहीं बदले। दोनों ही स्टार्स ने फिल्मों में आने से पहले बहुत कुछ झेला था। सभी जानते हैं कि अमिताभ को उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस लंबी हाइट और गुस्सैल नेचर की वजह से उन्हें फिल्मों में फेम मिला है, उन्हीं सब की वजह से उन्हें स्टार्टिंग में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। बिग बी की शुरुआती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। सालों से मिल रहे रिजेक्शन के बाद अमिताभ की किस्मत तब जगमगाती है जब जंजीर के स्क्रीन राइटर की एंग्री यंग मैन की खोज खत्म होती है और बच्चन साहब को फिल्म के लीड रोल के लिए साइन किया जाता है। जंजीर में अमिताभ के कैरेक्टर के लिए बहुत से लोग सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन मेकर्स को अमिताभ ही इस रोल के लिए परफेक्ट लगे थे। मानने वाली बात है कि एंग्री यंग मैन के रोल में अमिताभ को चुनना मेकर्स का बहुत सही डिसीजन था। फिल्म बनी और सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद बच्चन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडस्ट्री को अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी रिकॉर्ड तोड़ मूवीज दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हेमा को लोग आज ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं, जो इस इंडस्ट्री पर राज करती है, वो कभी एक एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन हेमा की माँ जयलक्ष्मी हमेशा से एक फेमस एक्ट्रेस और डांसर बनना चाहती थी। जब हेमा को शुरुआती टाइम में दुबले पतले होने की वजह से फिल्म से बाहर कर दिया गया था, तब उनसे ज्यादा दुख उनकी माँ को हुआ था। इस रिजेक्शन के बाद हेमा ने अपनी माँ के लिए खुद को हीरोइन के सांचे में ढाला और आज वो इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। जिस हेमा ने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने जब धर्मेंद्र से रिश्ता जोड़ा तो उन्हें फैमिली की काफी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन हजार मुश्किलों के बाद भी हेमा आज एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है जो आज $60 मिलियन के नेटवर्थ कैरी करती है। वैसे मैं अपनी बात करूं तो हेमा मालिनी का बसंती वाला किरदार मुझे सबसे ज्यादा भाता है। आपको कौन सा भाता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को फॉलो करना भूलिएगा नहीं।